नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग सारुआ गांव का है, जो कि लेसुई पंचायत में पड़ता है, तहसील चुरा व जिला चंबा। ये एक ऐसा गांव है जिसके साथ एक ऐतिहासिक कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। इस गांव की एक बेटी पुन्नी, जिसको लोग देवी के रूप में मानते हैं, जिसका एक मंदिर भी है और उसकी एक कहानी है। मैल नाग देवता, जिनसे पुन्नी का रिश्ता, उनका नाता, उनके दिल के तार जुड़े, उन्होंने कुछ वक्त जो है अपनी ज़िंदगी का साथ गुजारा। इस गांव से पुन्नी ने जन्म लेकर बड़े होकर मैल नाग राजा के साथ शादी की। उसके बाद इस गांव में क्या घटना हुई और पुन्नी ने इस गांव को एक देवी के रूप में क्या वरदान दिया, और उसके बाद मैल नाग देवता व पुन्नी देवी, जिसे लोग पुन्नी माता भी कहते हैं, वो यहाँ से कहाँ गए, इसी के ऊपर प्रकाश डालता हुआ आज का ये व्लॉग है। ये कहानी है बलिदान की, वरदान की, एक ममता की और प्यार की। आइए देखते हैं आज का ये बहुत ही यूनिक व्लॉग। सारुआ गांव के सामने टिकरीगढ़ है और इस तरफ नीचे की तरफ ये शिमरा है और ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो भराड़ा है। ये बहुत ही खूबसूरत वादी के बीच में बसा हुआ गांव है सारुआ गांव, जिसकी ये ऐतिहासिक कहानी है। सारुआ गांव के ठीक ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं कुछ इस तरह प्रतीत होती हैं। जय हो, मैं राजा पुन्नी नागनी मसरो अखना देखना मैं जेवरा सिखना सारे निया सारे 12 साल दिया 12 साल हमारे जासना उनका ना तैली पे नहीं गई थी। तैली का ना ढंगर चारी करी तो घर ही चीज सारे हुए ग्राम करा बाद पुन्नी भोई पुन्नी जगने मोटी जगह लाड़ी कर लेते नहीं तड़ा बाद सारे पानी बहुत दूर थे नेट नगा ले मैल तड़ा करना बाद पुन्नी घोड़ी के चली गए तड़ी सुख ली देती तड़ी गाना ला ता तड़ी सब कुछ अन्य अभिनेशा आना थे तड़ा करना चली गए मैलवारे ने पुन्नी जा मैल तड़ा करना मैलवारे करना मंदिरों से दो ताक पुन्नी राग मैलरा तड़ा करना चली गए मंगली मजूर मंगली मजूर भी पुन्नी राग मंदरा के मैलरा तड़ा करना भद्रवा ने फिर आंथ थलिए एक सटोरिया ता सब कुछ है कि वहाँ तो मैलिया आगे सटोरी पता नहीं करूँ जो कुछ आ करूँ कुछ जुग में जी गल आ गई। ये मंदरा सारे जे ता एक पिंडी महाराज रिया ता एक शिवजी रिया एक पुन्नी नागनी रिया एक भी महल रिया पिंडी हल्की ता एक सारे हुए मंदिर जया ता आत्मा जे साक्षात महाराज री पिंडी अड़िया। ये सारे वे जत्र भी मैंने वहाँ थे तो महाराज या पुण्य री मंताबिका तो दूजे सब सुख के सके पूरी कर दे तो महल भी और पुण्य नागनी भी जे महाराज पानी का डोर हुआ सर अहमियत थे नहीं बिल्कुल सर मौजूद है अगर सके पानी बहुत भारी मिठा जला कोई दुख बीमारी भी न बहुत सकते थे पानी जला पे करे। ये है सारुआ गांव का मैल नागदेवता और पुन्नी नागनी का मंदिर, जो कि उनकी याद में बनाया गया है, जिनसे कि ये गाथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मैल नागदेवता भद्रवा से मंगली मंजोर आया, वहां से वे सारुआ आए। सारुआ गांव में मैल देवता ने 12 साल तक डंगर चारे। मैल देवता नहाने के लिए ताली नामक कंडे पर जाता था। सारुआ गाँव भटेटी परिवार में
एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम पुन्नी रखा। पुन्नी का नाम भी मैल नाग देवता ने रखा। जब पुन्नी बड़ी हुई तो मैल नाग देवता ने उससे शादी कर ली। मैल नाग देवता पुन्नी को लेकर गांव से बाहर नाले की तरफ गए। वहां पर नाले के पास अपनी सोटी से मैल नाग देवता ने एक पानी का पनिहार जो है वो निकाला, जो कि आज तक भी है और जिसका पानी जो है बहुत मीठा है और वो कभी सूखा नहीं। इसके बाद मैल नाग देवता ने गांव से बाहर की ओर रुख किया। उनके साथ पुन्नी नागनी पुन्नी देवी भी थी। जब गांव से बाहर गए तो पुन्नी को अपना मायका छोड़ने का बहुत दुख हुआ, तो उनकी आंख से आंसू भी गिरा, जिसका प्रमाण भी वहां पर मौजूद है और उनकी कंघी भी वहां पर मौजूद है। गांव से निकलने के बाद वो यहां से दूर इलाके की तरफ गए। मैल नागदेवता और पुन्नी साथ में रहे और इस स्थान से जाने के बाद वहां पर एक गाना भी गाया गया, जिसकी दो लाइनें ये हैं कि बब गया घराटे मां गई घासा द्राटी रही दुपरा नासा। इसका अर्थ ये है कि पिताजी जो हैं वो घराट गए और मां जो है वो घास लेने के लिए गई, और जो द्राटी है जिससे घास काटते हैं वो जो डबल स्टोरी का मकान होता है दुपरा नासा वहां पर वो रखी हुई रह गई। इसके बाद मैल नागदेवता और पुन्नी महलवारे की तरफ गए। ये स्थान त्रेला से ऊपर धार की तरफ है। वहाँ पर मैल नाग देवता और पुन्नी का मंदिर है। ऊपर पुन्नी का व महल राजा का, नीचे मंदिर है। वहाँ से वे मंगली मंझोर की तरफ चले गए। वहाँ भी मैल राजा व पुन्नी नागनी का मंदिर है। उसके बाद वे भद्रवाह भी आते जाते रहते थे। भद्रवाह में मैल नाग देवता के भाई बैंसंग नाग देवता का मंदिर है। पुन्नी ने जाते वक्त अपने मायके वालों को ये वरदान दिया था कि इस गांव में बिना बीजे हुए भी सरसों उगती रहेगी, इस गांव के लोगों के सिर की चोटी बड़ी लंबी लंबी होगी। ये वरदान देकर पुन्नी जो है वो अपने गांव से रुखसत हुई थी। सारुआ गांव के लोग पहले खड़ से पानी लाते थे, जो कि बहुत दूर था, लेकिन मैल नाग देवता के पानी के स्रोत निकालने के बाद पानी गांव के नज़दीक ही उपलब्ध हो गया। जब श्यामलाल चाचू जी ने मैल नाग देवता और पुन्नी नागनी की कहानी बताई तो उसमें मेरे दिल में भी ये आया कि इनके ऊपर दो चार लाइन तो गाने की होनी चाहिए। तो मैंने उनके पास बैठकर ही ये चार लाइनें लिखी, जो कि मैल नाग देवता और पुन्नी देवी के ऊपर आधारित हैं। मैल नाग देवता भद्रवा के राजा आप जी पुन्नी तब टेटियो नर सरुआ गाँव की मंगली मंजोर रास्ते सरुए को आए राजा जी पुन्नी संग प्रीत लगी ओ दोनों संग संग चल दिए पुन्नी ने मायके को वरदान दिया सरसों का महलवार को चल दिए पुन्नी और मैल नाग देवता। जे तुहानी कहानी सुना मैं राजे जां पुन्नी नागनी दी, जे तुहें बधिया लिखी बे ठीक, तो
ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸੋਹਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਗਰਾਜ ਹੈ ਕਿਆ ਦੇਵਤਾ ਕਿਆ ਮਹਿਲ ਨਾਗਰਾਜ, ਮਹਿਲ ਨਾਗਰਾਜ ਪੁਨੇ ਨਾਗਣੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਗਰਾ ਭੇ ਨੇ ਇਸਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਾ ਭੇ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਗਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸਰਾ ਹੂੰ ਹਿਮ ਚਕਸ਼ੂ ਬਲੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ। ਮਹਿਲ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਔਰ ਪੁਨੀ ਨਾਗਣੀ ਕਾ ਇਹ ਗਾਂਵ ਸਾਰੂਆ प्राकृतिक दृष्टि से भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है और इसके सामने बसे हुए गांव जो कि एक प्राकृतिक वादी में बसे हुए हैं इसके बिल्कुल ठीक सामने है ये गांव और इसके साथ ये सामने शिमला और ऊपर बंदरा और साथ में क्रमूड और लास्ट में बराड़ा। जब महल नाग देवता पुनी भटेटी या पुनी देवी पुनी नागनी को लेकर सरुआ गांव से चले तो उन्होंने यहां आकर ये पानी का स्रोत जो है जैसा श्यामलाल चाचू जी ने बताया कि उन्होंने अपनी सोटी से जो है वो ये पनिहारा जो है वो पैदा किया, जैसा उन्होंने भी बताया गांव वालों ने भी बताया कि ये पानी जो है वो बहुत मीठा है और ये पानी तब से लेकर अब तक गाँव वालों के लिए एक वरदान बनकर बहता है और इसके सामने ये सभी प्राकृतिक जो हैं वो सुंदरता बिखेरते हुए ये पहाड़ी हैं ये वादी है। महल नाग देवता और पुन्नी नागनी का ये पणिहार। जय महल नाग देवता, जय पुन्नी माता। महल नाग राज जिखना सैर हुई हो रहा था, सैर हुई था जिखना देखना पुनी नागनी माता से था ब्याह क्या तड़ा बाद से क्या ब्याह कार्य का थी ये सैरो सरसरा पंजारा कंकु जे और पानी न था सैरो तड़ी सार का था और तड़ा कना बाद इस थाना मरिया रही पुनी नागनी माता रहे चेन हाथ है और माता रहे सब चेन हाथ है रही और स्थापना पूरी रही और अपने रहे शेर पार होता ना अपने आंसू यह तना ने और ऐसे स्थान पर तहरा आंसू गिरो रहा तनाकना बाद तरुआई ने तो यो मैं नाग और पुण्य नाग ने अपने स्थान बने ने तो मैं नाग ने चली गया अपने मेरा वाले धाम ने। सारोई गांव के महल नाग देवता पुन्नी नागनी की ये दास्तान जो कि गांव वालों ने बताई श्यामलाल चाचू जी ने बताई जो उन्होंने बताया उसके अनुसार महल नाग राजा जो है वो जब सारुआ में आए तो उस वक्त जो पुन्नी नागनी थी जिसे पुन्नी भटेटी कहते हैं वो बहुत छोटी थी तो उसका नामकरण भी जो है वो महल नाग राजा ने किया और जब वो जवान हुई तो उसके साथ महल नाग राजा ने शादी की। फिर वो दोनों सारुआ गांव से चल पड़े और रास्ते में उन्होंने पानी का चश्मा जो है वो निकाला। उसके बाद इस स्थान पर आकर जब वो पहुँचे तो पुन्नी नागनी को बहुत दुख हुआ कि मुझसे मेरा मायका जो है वो छूट गया है। इस स्थान पर आकर उनकी आंख से आंसू गिरा जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको मंदिर में बताई और जैसा कि भाई जी ने कहानी में भी बताया उन्होंने अपने सर में कंघी की उस कंघी का निशान भी जो है वो हमने आपको दिखाया। हिमाचल देवभूमि शिवभूमि चंपा के ये शिवालय जिनमें बहुत सी कहानियाँ गाथाएँ धार्मिक दंत कथाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं ये अपने आप में सुनने में और वास्तविकता में बहुत महत्व रखती हैं। गांव वालों का ये विश्वास कि पुन्नी नागनी ने जो उनको आशीर्वाद दिया था वो फलीभूत हुआ है, उनके गांव में कोई दुख बीमारी नहीं होती है, पानी उनके गांव से कभी ख़त्म नहीं होता है, अगर वो सरसों नहीं भी बीजते हैं तब भी सरसों जो है वो हो जाती है। चुराह वादी के सारुआ गांव की ये दास्तान ये कथा महल नागराज देवता और पुन्नी नागनी की ये कहानी
आपके सामने मैंने रखी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।